राम जेठमलानी की बायोपिक में होंगे अक्षय कुमार, कुणाल खेमू ने दिया जवाब। कुछ वक्त पहले खबरों में था कि सुहा अली खान और कुणाल खेमू और प्रोड्यूसर जाने माने वकील रह चुके राम जेठमलानी की बायोपिक बड़े पर्दे पर लाने वाले हैं। अफवाह थी कि फिल्म में मुख्य किरदार अक्षय कुमार निभाएंगे। बहरहाल अब कुणाल खेमू ने इन अफवाहों पर जवाब दिया है। बता दें, फिल्म मलंग के प्रमोशन के दौरान कुणाल खेमू ने मीडिया से खुलकर बातें की। राम जेठमलानी की बायोपिक पर बात करते हुए कुणाल ने बताया, हमने प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत ही इस फिल्म के लिए की थी। मैंने जब राम जेठमलानी के बारे में पढ़ा, उनके केस, उनके इंटरव्यूज पर गौर किया, तो मुझे उनकी जिंदगी में बेहद दिलचस्पी जगी। फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्टिंग खत्म हो चुकी है। फिल्म का निर्देशन हंसल मेहता करेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार के होने की अफवाह पर कुणाल ने हंसते हुए कहा, ऐसी अफवाह है तो अच्छी बात है, लेकिन हमने फिलहाल किसी भी स्टार को अप्रोच नहीं किया है। 4-5 नाम ऊपर आए हैं, लेकिन किसी को भी लॉक नहीं किया गया है। एक बार ड्राफ्ट पूरा खत्म हो जाए, हम उसे पढ़ लें, उसके बाद ही किसी को अप्रोच किया जाएगा। यह भी देखना जरूरी है कि हम उनके किस उम्र को ज्यादा दिखाना चाहते हैं। राम जेठमलानी पर बात करते हुए कुणाल ने कहा, वो अपने इंडस्ट्री के सलमान खान या अमिताभ बच्चन नहीं थे। स्क्रिप्टिंग के दौरान हमने कई दूसरे वकीलों से भी बात की और सबने अलग अलग अनुभव सामने रखे हैं, जो कि काफी दिलचस्प है। खैर, कुणाल खेमू ने फिलहाल इस बात से सीधे इनकार किया है कि फिल्म में अक्षय कुमार हैं। देखने वाली बात यह भी है कि फिलहाल अक्षय के पास भी बैक टू बैक फिल्में हैं, जो 2021 तक रिलीज होने वाली हैं। ऐसे में इस बायोपिक के लिए अक्षय अप्रोच किया जाएगा या नहीं, और अक्षय समय दे पाएंगे या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इन फिल्मों से जुड़े हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की फिल्में सूर्यवंशी, रोहित शेट्टी की अगली फिल्म होगी सूर्यवंशी, जिसमें पुलिस के किरदार में देखेंगे अक्षय कुमार। यह फुल एक्शन ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म 27 मार्च 2020 को रिलीज होगी। अक्षय कुमार की फिल्में लक्ष्मी बम, वहीं लक्ष्मी बम इंद 2020 पर रिलीज होगी। साउथ की फिल्म कनचना के हिंदी रीमेक लक्ष्मी बॉम्ब में अक्षय कुमार ऐसे आदमी बने हैं जिन पर भूत है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। अक्षय कुमार की फिल्में पृथ्वीराज, यशराज फिल्म्स की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पृथ्वीराज चौहान बायोपिक दिवाली 2020 पर रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ पूर्व विश्व सुंदरी मानुषी छिल्लर नजर आएंगी। फिल्म के निर्देशक हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। अक्षय कुमार की फिल्में बच्चन पांडे, फिल्म बच्चन पांडे पहले 2020 क्रिसमस पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन आमिर खान के बोलने पर अक्षय कुमार ने इसे आगे बढ़ा लिया है। अब यह फिल्म 22 जनवरी 2021 को रिलीज होगी। फिल्म के निर्माता हैं साजिद नाडियाडवाला, जबकि डायरेक्ट करेंगे फरहाद सामजी। अक्षय कुमार की फिल्में बेल बॉटम, वहीं बेल बॉटम 22 जनवरी 2021 से आगे बढ़कर 2 अप्रैल 2021 पहुंच चुकी है। फिल्म प्रोड्यूस करेंगे वाशु भगनानी और जैकी भगनानी। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रंजीत तिवारी। अक्षय कुमार की फिल्में अक्षय कुमार, कोई शक नहीं कि इन दिनों अक्षय कुमार के पास फिल्मों की लाइन लगी है। 2020 में अक्षय 3 फिल्मों के साथ धमाका करने वाले हैं। वहीं 2021 के लिए अभी से सुपरस्टार की 2 फिल्म लॉक हो चुकी है।